सो गाइस, इंडिया में काफी सारी ऐसी डॉग स्पीड है जिन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि भाई हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। लेकिन आज इस डॉग स्पीड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप में से 95% इस स्पीड को काफी पसंद करते होंगे, जिसका नाम है सिट्सू। क्योंकि भाई सिट्सू एक बहुत ही छोटी सी क्यूट सी लैब डॉग स्पीड है और इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। तो अगर आप लोगों को ये डॉग स्पीड परचेज करनी है या फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हैं। वेल गाइस, इन सिट्सू पपीज के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारी कल की ये ब्लू आइस और ब्लू कलर के डोबरमैन और ब्लू कलर के अमेरिकन बुलीज की वीडियो नहीं देखी तो यार आप लोग क्या कर रहे हो। वीडियो को जरूर देखें, वीडियो बहुत ही शानदार है। लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग सिट्सू को परचेज करते हो तो एक काफी लंबे समय तक आप लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि भाई इनका एवरेज लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है, जो है 12 to 16 years तक, और ये थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है अगर आप लोग अपने पपीज की अच्छे से केयर करोगे, इन्हें एक बैलेंस डाइट दोगे तो। और गाइस, पपीज की क्वालिटी फैंटेबलस है और इनमें आप लोगों को दो कलर्स मिल जाएंगे, जो है ट्राई कलर और ब्लैक एंड व्हाइट कलर। वैसे इसमें आप लोगों को मोस्टली यही दो कलर्स देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक कलर भी है जो कि काफी रेयर होता है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो पपीज की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है और कलर भी आप लोगों को काफी अच्छे मिल जाएंगे, तो क्वालिटी में भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और प्राइस भी बहुत ही डिसेंट सा है। तो पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो अगर आप लोग इन्हें लाइव भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो कॉल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और हाँ, ओनर का साथ में ये भी कहना कि अगर आप लोग को इनसे भी हाई क्वालिटी के पपीज चाहिए ना, जो कि बिल्कुल शो क्वालिटी के होते हैं और इम्पोर्ट लाइन के होते हैं, तो भाई वो पपीज भी आप लोग को ओनर के पास से मिल जाएंगे, तो उनके लिए भी आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे भाई मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि अभी जो पपीज के साथ में आप लोग इस एडल्ट डॉग को देख रहे हैं ये मदर है या फिर फादर है या फिर कोई और, क्योंकि ओनर का स्पेशली ये कहना था कि पपीज के जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस है ना, वो कस्टमर को पर्सनली दिखा दी जाएंगी। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सिट्सू पपीज को किस टाइप की फैमिली परचेज कर सकते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को एक बहुत ही क्यूट सी एंड प्यारी सी डॉग ब्रीड चाहिए ना, तो बेफिक्र होके आप लोग सिट्सू के लिए जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, ये गार्ड डॉग्स नहीं होते और ये किसी के ऊपर बाघ वगैरह नहीं करते। तो अगर आप लोग एक बिल्कुल टॉय डॉग ब्रीड चाहिए ना, जो आपके काफी अच्छे कंपेनियन हो, आप लोगों के साथ डोर टू डोर घूमते रहे, तो सिट्सू आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई ओनर के पास ये टोटल 3 पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मेल और 2 फीमेल्स हैं। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है अंबाला कैंट हरियाणा से। एंड गाइस, डिलीवरी आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं, बट कुछ सिलेक्टेड सिटीज में ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, बट शायद उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट मैं तो प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोग इन्हें परचेज करते हो या इनके अलावा दूसरे सिट्सू पपीज को परचेज करते हो, तो दोनों ही सिचुएशंस में आप लोग डॉग ओनर को विजिट करके ही परचेज करें तो और बेटर है। एंड फाइनली, अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 15,000 rupees 15,000 rupees, एंड फीमेल की जस्ट 12,000 rupees यानी 12,000 rupees। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जो सीरियस बायर्स होते हैं, जो डॉग्स को सच में परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए प्राइस कम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को भी लाइक करें और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलता हूँ आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।